और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कूड़ा प्रबंधन को लेकर नगर निगम के विशेष सदन की बैठक में बुधवार को बड़ा हंगामा हो गया। सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड से बीजेपी के पार्षद राम नरेश रावत ने नगर आयुक्त पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। पार्षद के आरोप पर नगर आयुक्त ने अपना भाषण बीच में छोड़ दिया। मेयर सुषमा खरकवाल ने अपनी ही पार्टी के पार्षद को जमकर लताड़ लगाई। सदन के पटल से उन्होंने कहा कि सदन हम सभी की माँ के बराबर है, माँ के लिए पार्षद ने अभद्र भाषा का उपयोग किया है। इसके अलावा पार्षद ने नगर आयुक्त पर गलत आरोप लगाए हैं, ऐसे पार्षद को सदन में रहने की जरूरत नहीं है। मेयर ने पार्षद के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में है वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है। वहीं नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गलत आरोपों को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बगैर साक्ष्य के अगर किसी ने भी गलत आरोप लगाए तो उसे किसी हालत में छोड़ूंगा नहीं। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर नगर आयुक्त अपना आपा खो बैठे और पार्षद को सदन के पटल से ही जमकर खरी खोटी सुनाई। देखते ही देखते विशेष सदन की बैठक नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह वर्सेस पार्षद राम नरेश रावत के विवाद में तब्दील हो गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बहस करते रहे। इसके बाद नगर आयुक्त सदन बीच में छोड़कर जाने लगे तो बीजेपी पार्षदों ने उन्हें समझा बुझाकर रोकने के प्रयास किए, लेकिन नगर आयुक्त सभी को किनारा कर चले गए। वही नगर आयुक्त के सदन छोड़ने पर मेयर भी पार्षद के ऊपर भड़क गई। मेयर ने उसे सदन से बाहर जाने के लिए कहा तो पार्षद मेयर से भी भिड़ गए। अगर महापौर जी को आज का समय दिया हुआ है, राम नरेश को भाग करिए, पहले भाग करिए इनको, तब सदन चलेगा। भाग करिए, पार्षद ने मेयर को जवाब देते हुए कहा कि कोई आपकी दया से बीजेपी से टिकट नहीं मिली जो सदन से बाहर चला जाऊं, पार्टी में काम करने से टिकट मिला है, जीत कर आया हूं। उन्होंने जोन एक के जोनल अफसर को तत्काल हजरतगंज इंस्पेक्टर को कॉल कर पुलिस बुलाकर पार्षद को बाहर करने का निर्देश जारी कर दिए। पुलिस बल आने से पहले बीजेपी के कई पार्षद सदन से बाहर जाने के लिए राम नरेश को समझाने लगे तो उनसे भी भिड़ंत हो गई। इस दौरान पार्षद राम नरेश और सदन के उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता में नोकझोंक हुई। ये देख सदन के उपाध्यक्ष के पक्ष में अन्य पार्षद भी लामबंद हो गए। सभी ने सदन से घसीटकर पार्षद राम नरेश को बाहर किया। सदन से निकाले जाने पर सुसाइड की धमकी देते हुए नगर निगम के मुख्यालय में आत्महत्या की धमकी दी। उसने कहा मेरी मौत के जिम्मेदार सीधे तौर पर नगर आयुक्त और मेयर होंगी। पार्षद की धमकी सुनकर साथ ही पार्षद उन्हें पकड़कर दोबारा सदन में लाए, किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। Thank you.